हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन चैनल वर्सेटाइल फूड। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द मैं दिवाली की डेकोर को लेके कुछ फैंटास्टिक से आइडियाज़ के साथ आऊँगी, तो आज का जो आइडिया है वो है कर्टन की डेकोरेशन के लिए या किसी भी एंट्रेंस की डेकोरेशन के लिए हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं मैंने क्या सामान दिया है। आई हैव दीज बीड्स विद मी, सो मैं ये बीड्स यूज़ करने वाली हूँ। ग्लिटर शीट विद थिक शीट, सो अगर ग्लिटर शीट मैंने ब्लू कलर ली है तो उसके साथ कंट्रास्ट करके मैंने येलो थिक शीट ली है, राइट। और इसके साथ एक और कंट्रास्ट मैंने लिया है, वो है ये ऑरेंज मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट, बट ये थोड़ा सस्ता वर्जन होता है, ये पतरा बोलते हैं इसको। इट्स जस्ट फोल्डेबल, इजीली मोल्डेबल, सो अगर आप दो आपस में चिपकाते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाता है थोड़ा। तो आई एम यूजिंग दीज सुई धागा वाइट कलर का, सीजर्स, देन आई एम यूजिंग मार्कर, पेंसिल, जो भी ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए, ग्लू, स्केल। ये एक बीट्स डाला है इसमें और पीछे से ये डबल डॉट लगाई हुई है, राइट। अब मैं इसको इसके बीच में से निकाल देती हूँ, धागे के बीच में से। तो इससे क्या होगा, ये थ्रेड की जो स्टार्टिंग है दैट इज गोना लॉक, राइट। लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, लीजिए, अब ये हमारी स्टार्टिंग एज लॉक हो गया है। और अब एक बार मैं ये जितने भी पर्ल हैं वो इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थिक वेस्ट कार्ड पे 5x5 सेंटीमीटर, 3x3 सेंटीमीटर के दो कार्ड कट कर लिए हैं। अब प्लेन शीट पे मैं 5x5 सेंटीमीटर के बॉक्सेस ड्रॉ करूँगी और ग्लिटर शीट लेके इस पे 3x3 सेंटीमीटर के बॉक्सेस ड्रॉ करूँगी। ग्लिटर शीट को हमेशा उल्टी साइड से ट्रेस किया जाता है। तो ये बॉक्सेस ड्रॉ करके कट करने के बाद अब फेविकॉल से हर बॉक्सेस के सेंटर में एक ग्लिटर बॉक्स अटैच करना है। फेविकॉल को अच्छे से एजेस पे लगाइए ताकि ये प्रॉपर चिपक जाए। ग्लिटर शीट चिपकने में टाइम लेती है। अब दूसरे शीट पे भी सेम वे में 5x5 सेंटीमीटर मैं कलर शीट पे और 3x3 सेंटीमीटर का बॉक्स ग्लिटर शीट पे ड्रॉ करके और सिमिलर वे में स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद अब इन बॉक्सेस को सेपरेट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरी तरह से स्ट्रिप वर्क कीजिए या इंडिविजुअल बॉक्स पे पेस्टिंग कीजिए, चॉइसेस योर्स। अब बॉक्सेस रेडी होने के बाद बीड्स की माला भी रेडी है और उसके साथ हमारे पास पत्रे भी हैं। अब चार बीड्स एज पे छोड़ने के बाद इस शीट पे हम ग्लू अप्लाई करेंगे। क्योंकि इस शीट को मैं स्क्वायर की बजाय डायमंड शेप में लगा रही हूँ तो मैं सेंटर में थ्रेड पेस्टिंग के लिए भी फेविकॉल पेस्ट कर दूंगी। एजेस पे अच्छी तरह से फेविकॉल अप्लाई कीजिए ताकि दोनों शीट्स आपस में प्रॉपरली चिपक जाएं। अब तीन बीड्स और फिर दो मिरर लेके फेविकॉल अप्लाई करके एक के साथ एक थ्रेड के लेफ्ट और राइट साइड पेस्ट कर देंगे। अब फिर से तीन बीड्स और अलग कलर की शीट जो कि येलो है उसको डायमंड शेप पे अप्लाई करेंगे। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, तीन बीड्स, पत्रे। आप चाहें तो पत्रों की जगह मिरर यूज कर सकते हैं। अब तीन बीड्स के बाद ब्लू शीट की बारी आ जाती है। बस आप टास्क करते टाइम ये ध्यान रखें कि फेविकॉल एजेस पे अच्छी तरह से अप्लाई हो। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने एक 4 फीट हाइट की स्ट्रिंग रेडी कर ली है और लास्ट एज में भी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने 4 बीड्स का यूज़ किया था, लास्ट एज पे भी 4 बीड्स का यूज़ करके मैं नॉट लगा दूंगी। लास्ट में आपको क्या करना है, इसको कर्टन से इंसर्ट करने के लिए, दिस इज द एंड पॉइंट, लास्ट बीड से आप सेफ्टी पिन गुजारिए
और इस सेफ्टी पिन को आप किसी भी कर्टन पे लगा दीजिए। इस दिवाली ट्राई कीजिए ये पॉकेट फ्रेंडली आइडिया, और अगर आप मार्केट से इसे खरीदने जाते तो आपको ये 400 से 500 का सेट होता, सेट ऑफ 5, और जबकि घर पे इसको तैयार करने में, 5 के सेट को तैयार करने में मुझे 30 से 35 रुपए लगे हैं। तो हो गया ना ये पॉकेट फ्रेंडली आइडिया। तो आप भी कीजिए इस तरह के DIYs और मुझे कमेंट करके बताइए आपको आइडिया कैसा लगा। न्यू दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब टू वर्सेटाइल 14, प्रेस दी बेल आइकन, लाइक एंड शेयर।